आइए आज हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? फाइनेंशियल किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है और उसको सॉल्व भी किया है। अब देखते हैं इसमें है क्या, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक, इसमें दिया हुआ है क्या, एक दिया है करंट ईयर दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। करंट ईयर 2014 है एंड प्रीवियस ईयर 2013 है, यानी प्रीवियस ईयर दिया, जैसे पहले दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2013 एंड करंट ईयर दिया है 31 मार्च 2014। ओके, अब देखिए इसमें क्या दे रहा है। पहला ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में था कितना, 10 लाख, और करंट ईयर में कितने का हो गया, 12 लाख। नेक्स्ट क्या है, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर्स क्या है, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख एंड करंट ईयर में कितना दिया हुआ है, 2 लाख। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या क्या, पहला दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹12,000 एंड सेकेंड है डिविडेंड पेड ₹50,000। ठीक, ये तो पूरे हमारे पास क्वेश्चन थे। अब इसके लिए हम लोग निकाला होगा फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती क्या चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के बेसिस पे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती है कि जितने भी फंड होते हैं, जो भी फंड आ रही है कंपनी के पास, जहां से फंड आ रहा है यानी इनफ्लो हो रही है, और कहीं पे उसने डिवेंचर रिडीम कर रही है यानी पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर कर रही है या बाई बैक ऑफ शेयर कर रही है, तो कंपनी के पास से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट पेड किया पैसा गया, डिविडेंड दे रही है पैसा गया, यानी आउटफ्लो हो रही है। और इनफ्लो कहां से होती है, जब कंपनियां शेयर इशू कर रही हैं, डिवेंचर इशू कर रही है, कहीं से बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, तो उससे कंपनी को क्या मिलता है, इनफ्लो आती है यानी पैसा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन से इसके इनफ्लो है और कौन से उसके आउटफ्लो है, उसका नेट रिजल्ट क्या आता है। तो उसके लिए हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या है, इक्विटी शेयर है, डिवेंचर दिए हुए हैं, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट पेड और डिवेंचर है एंड डिविडेंड पेड दिया हुआ। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या है। पहला हमने क्या देखा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में था 10 लाख एंड करंट ईयर में है 12 लाख, यानी कंपनी ने के पास जो शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में थे 10 लाख, अब बढ़ के कितना हो गए, 12 लाख, यानी कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू की हुई है, तब की कंपनी जब शेयर इशू किया तो उससे क्या हुआ, कंपनी को पैसा मिला। तो पहला क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगा, ये 2 लाख। 2 लाख कैसे, 10 लाख एंड 12 लाख का जो डिफरेंस है, 2 लाख से कंपनी पास फंड आया, इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 2 लाख। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग है डिवेंचर्स है, प्रीवियस ईयर में था 1 लाख और करंट ईयर में कितने का हो गया, 2 लाख का, यानी कंपनी के पास पहले डिवेंचर थी 12% डिवेंचर जो थी, प्रीवियस ईयर में 1 लाख थी, इस ईयर में कितने का हो गया, 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने डिवेंचर इशू की होगी, जब इशू किया होगा तो कंपनी के पास क्या हो गया, फ्लो आया हुआ है, तब की कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिवेंचर ₹1 लाख, कंपनी के पास पैसा आया, इनफ्लो हुई 1 लाख से। अब कंपनी, अब इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना है, यहां पे दे रहा है 12,000। जब इंटरेस्ट पेड कर रही है तो कंपनी ने, जब डिवेंचरों पे इंटरेस्ट पेड करी तो कंपनी के लिए क्या हो रही है, वो आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ₹12,000, यानी आउटफ्लो हुआ तो क्या हो गया, कंपनी के पास फंड गया, वो क्या हो गया, उससे माइनस हो गया। फिर कंपनी क्या कर रही है, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, डिविडेंड पेड ₹50,000, यानी 50,000 जो दे रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जो डिविडेंड पेड कर रही है। अच्छा, डिविडेंड की कंडीशन में एक और चीज है कि अगर इसमें अगर ईयर वाइज दिया जाता है, इसकी कंडीशन दिया जाता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो हमेशा जो करंट ईयर का होता है उसको हम लोग वहां पे किसमें ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कब, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते समय, और जो प्रीवियस ईयर होता है उसका पेमेंट कहाँ पे आता है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, ओनली केवल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तब की कंडीशन में डिविडेंड वही अमाउंट वहां पे ऐड होगी ऑपरेटिंग में, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में वही माइनस होगा, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड तो नहीं दे रही है, केवल डिविडेंड दी है, यानी प्रपोज की हुई थी डिविडेंड उसमें दे रही है 50,000 का, तो जो डिविडेंड पेड कर रही है तो कंपनी के पास से क्या आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या डिविडेंड पेड कितने का है, 50,000 का, और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं कंपनी के पास इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो, यानी कंपनी के पास फ्लो हो रही है या कंपनी यूज कर रही है। तो अब देखिए, कंपनी ने जब शेयर इशू किया हुआ तो कंपनी के पास आया कितना था, 2 लाख,
डिवेंचर इशू किया तो कितना आया 1 लाख, यानी टोटल कंपनी ने जो रिसीव किया है वो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया हुआ है 3 लाख, लेकिन कंपनी ने उससे पेमेंट कितना किया हुआ है, फाइनेंस ने जो पेमेंट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया 12,000 एंड डिविडेंड दिया 50,000, यानी कंपनी जो टोटल पेमेंट की हुई है कितने पेमेंट किए 62,000, 12,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 62,000। अब 3 लाख रुपीज मिला था, कंपनी ने यूज कर चुकी है उसमें से 62,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो कितना बचा है 2,38,000, 2,38,000। ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी के पास ये प्लस में आ रहा पॉजिटिव में, ये क्या हो गया कंपनी के पास फ्लो हो रही है, तो क्या हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी इस बेसिस पे हमने देखा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैसे इनफ्लो हो रही है और कैसे आउटफ्लो हो रही है। ठीक, अब इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर कोई डाउट हो फिर से मैं बता देता हूं कि कंपनी के पास जो भी कोई फंड आता है कहीं से भी आती है, तब की कंडीशन में कहीं से भी इनफ्लो हो रही है तो प्लस में, और कहीं पर जा रही है कैश का तो वह क्या हो गया वो आउटफ्लो हो गया। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।